अन्य देशों की तरह कोरोना संक्रमण से भारत भी अछूता नहीं रह सका, लेकिन हमारी सरकार ने गंभीरता दिखाई। नतीजतन शुरू के दिनों में अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया। लगभग 2 माह से अधिक समय तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन 4 का दौर भी आया और राहत की चाहत के इंतजार में बैठे लोगों के लिए मानो मन की मुराद पूरी होती दिखी। शासन और प्रशासन के द्वारा जनहित में जारी फरमान का पूरी तरह पालन करने की हिदायत के साथ ढील दी गई। आर्थिक स्थिति के अनुरूप सभी तबकों की सहायता करना सरकार का राजधर्म है। आज सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ कोरोना से भी जूझना एक गंभीर चुनौती है। गया हूं पटना स्टेशन के बगल में और यहां पर कुछ ऑटो परिचालकों से बात हुई हमारी और ग्राहकों से बात हुई, तो आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि इनकी जो भी समस्या है वो सरकार सुने, और इन लोगों को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोग किराए के लिए भी परेशान हैं, जैसा कि सरकार ने मना करवाया था कि किराया नहीं लेना पड़ेगा, तो उस वजह से भी कुछ लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं और प्रशासन की तकलीफ भी इन लोगों को हो रही है। ऐसा आइए देखते हैं ये लोग क्या क्या बोलते हैं। ऑटो चालकों के लिए 2 यात्री बैठाना मुनासिब नहीं, क्योंकि आमदनी में होगी कमी। तो सरकार बोला कि 4 बैठाने का तो 5 बैठाता है, तो हम लोग पसाई नहीं पड़ता है, तो डबल भाड़ा वही 36 रुपया 20 रुपया यही भाड़ा ले रहे हैं हम लोग और गाना तो चल रहे हैं। और सर पैसेंजर जो प्रशासन दिक्कत कर रही है उन पर एक मैसेज करता है कि तुम किस्त जमा करो, हम लोग कमा नहीं रहे, किस्त कहाँ से जमा करें, बहुत सा प्रॉब्लम है। 6,000 रुपया महीना पर मंथ देना पड़ता है, तो कहाँ से दे कमाएंगे तो ना। यात्रियों की माने तो ऑटो वाले अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। सरकार ने बोला है कि डबल मिलेगा, डबल बहुत लोग तो दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे आकर बोलते हैं कि भाई किराया ही कम है, जब इतने ही में देंगे मजबूरी होता है, किसी को लेके भी जाते हैं कभी नहीं लेके जाते हैं, जो पहले से बच रहा है उससे भी कम मतलब बच रहा है। सड़कों पर हर रोज तानातानी का माहौल देखने को मिलता है। कभी कभार पुलिस हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझाने में सहायक होती है।